अब ना बहुत देर हो गई, अभी 4 घंटे हो गए, अब छोड़ दो ना। मेरा मतलब साथ में बात करके 4 घंटे है ना दीदी। अच्छा दीदी बाय। यार बेटे हमेशा फोन पे बात करोगे? बड़े इस बूढ़े बाप से भी बात कर लो। बाबा 5 मिनट पहले फोन आया था, 5 मिनट पहले बस। बड़े 5 मिनट के चक्कर में ना हमारे बाप को हमेशा के लिए निकल लेना बेटे। बाबा आप भी ऐसी बात करके इमोशनल क्यों कर देते हो हमेशा? बेटा ये मगरमच्छ वाले आंसू रेंडो, ये मगरमच्छ वाले आंसू रेंडो। अपने बाप के साथ अगर 5 मिनट बिताने हो ना असली वाले, तो बाहर आ जाना, हमारा बाप बैठा हुआ वहाँ। पापा मैं कंजर कहीं का यार, ये वैसे कह तो सही है। पापा पापा रुको मैं आ रहा हूँ। A man, a father killed his बच्चा बिकॉज द बच्चा वॉज ओवर स्मार्ट। पापा पापा आपने बात करने के लिए बुलाया था ना, मैं आ गया। लो भाई कलेक्टर साहब आए हमसे बात करने के लिए। अरे लाजो इनके लिए आरती की थाली लाओ भाई। अरे पापा मम्मी को क्यों बीच में ला रहे हो? आपको कुछ बात करनी है तो बताओ, वरना मैं जाऊं सोने। से बात करोगे भाई साहब? लेकिन हम तो फालतू बात करते हैं, काम की बात करनी है तुमको तो अपने दोस्तों के पास जाओ। है काम की बात? पापा देखो आप मेरे पे ऐसे एलिगेशन मत लगाओ, मैं अपने दोस्तों से काम की बात करता हूँ हमेशा। अभी भी पढ़ाई की बात कर रहा था 4 घंटे से पिछले। काम की बात? अच्छा जरा बताना तुम्हारी पूजा और विद्या कैसे चल रही है? पापा पूजा और विद्या दोनों बढ़िया चल रही है। अभी मैं पूजा से विद्या की तो बात कर रहा था, इतने में आप आ गए। भाई मैं भगवान की पूजा और पढ़ाई वाली विद्या की बात कर रहा हूँ। पापा मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। जॉब जॉब। बोला आपको बताया था जो मेरे बाकी दोस्त है ना, उनके पापा मतलब उनके साथ ऐसे रहते हैं दोस्तों की तरह बिल्कुल। और आप होगी ऐसे नहीं बेटा, मैं भी तेरा दोस्त जैसा हूँ। तू मुझे बता क्या बात है बता। तो पापा ऐसा है घर में पैसे नहीं आए बहुत दिन से, सैलरी का सैलरी। हम दोस्त बने हैं, तू मेरा बाप नहीं बना। और बात है पैसों की ना बेटे, तो ऐसा है मुफ्त की तो मिलती नहीं तुम्हारी तरह। जब जाऊंगा काम करूंगा तब घर में 4 पैसे आएंगे, तुम्हारा क्या है? खाना बोला खाना आ गया। अरे लाजो इसके लिए खाने की थाली ले आ यार। मम्मी तुम नीचे मत आओ। पापा ऐसी बात है, अभी हमने बात करी थी ना, हम दोनों दोस्त हैं, दोस्त ऐसे बात नहीं करते। यार देख रहे हो मैं मतलब एक ही टी-शर्ट 3 हफ्ते से पहन रहा हूँ। एक ही टी-शर्ट 3 हफ्ते से पहन रहा? अबे जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना भाई, सुबह छह बजे उठ के जाता था खेतों में। और पता पापा घर में शौचालय बनवा रहे थे दादाजी से, मेरी गलती है ये थी। शौचालय थे हमारे यहाँ। हाँ मैं सुबह खेतों में पानी डालने जाता था। और पैसों की बात जो तू कर रहा है बेटे, मेरे को 10 रुपए मिलते थे घर से, 10 रुपए, उसमें मैं घर का सारा राशन ले आता था और 2 रुपए बचा भी लेता था। पापा ये कर तो मैं भी लूं, अगर आजकल सीसीटीवी कैमरे ना हो तो पापा मैं तो फ्री में ले आऊं सामान। बाप को चोर बोलता है, शर्म नहीं आती? पापा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, जॉक्स जॉक्स। अरे पापा आपने सुना कि हार्दिक पांडे बाप बनने वाला है? इसमें क्या सुनना भाई, तुम यही सब खबरें सुनो, ये मत सुनना कि हार्दिक पांड्या कितना अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, कितना अच्छा खिलाड़ी है, अपने माँ बाप का नाम रोज रोशन कर रहा है, उसकी तरह बन उसकी तरह। बिना शादी के पापा। जॉक्स जॉक्स बेटा। मैं चला हार्दिक पांड्या बनने पापा। नहीं बेटा, मेरा बेटा जॉक्स मैं भी तो मजाक कर सकता, एक बाप अपने बेटे से मजाक नहीं कर सकता, मुझे अपने परवरिश पे पूरा भरोसा है, तू ऐसा ऐसा नहीं करेगा है? नहीं करेगा ना बेटा? पापा पापा मेरे टाइम हो रहा, पापा मुझे टीचरों के साथ वर्चुअल इंटरेक्शन करनी है, तू मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना है, बहुत देर हो रही है भाई। एक मिनट, कौन सी बीमारी है ट्रैक्शन प्रैक्शन, कौन सी बीमारी है ये? पापा बीमारी नहीं है, वर्चुअल इंटरेक्शन मतलब कि हम टीचर हमारे सामने होती है, हम उसके सामने होते हैं, हम फोन के थ्रू एक दूसरे के सामने होते हैं। ज्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन मोदी जी ने बोला है ना कुछ भी हो 1 फीट की दूरी बना के रखना है कोरोना से बचना है तो। ठीक है और बिना शादी के बच्चे नहीं कर रहा बेटा है?
मिशन समा।